नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आज मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी का जो महिला मोर्चा टीम होती है उसका जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं रीना मेहता, उनका भाईंदर वेस्ट में महिला मोर्चा का जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ संपल। बैंड बाजों के साथ सभी महिलाएं थिरकती नजर आई। इसी के साथ सभी आए हुए अतिथियों का बैंड बाजों व गणपति सहित मां सरस्वती की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। किसी भी शहर में बीजेपी महिला मोर्चा कार्यालय का खुलना या अपने आप में एक अनोखा प्रयास है। इस कार्यक्रम में पूर्व विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद प्रवीण दरेकर, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, वर्तमान आमदार गीता जैन और पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर ज्योत्सना हसनाले, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास सहित कई गण्यमान्य एक ही मंच पर उपस्थित होकर पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी की अफवाहों पर विराम लगा दिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, महापौर ज्योत्सना हसनाले, रीना मेहता, रवि व्यास, नरेंद्र मेहता, गीता जैन के हाथों दीप प्रज्वलित करके की गई। इस विषय पर जब हमने मौजूद नेताओं से बात की तो उन्होंने कि हमें क्या जानकारी दी है, आइए दिखाते हैं आपको। और भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा एक सक्रिय विंग है और इस मीरा भाईंदर शहर में हमारी यह महिलाओं की विंग अत्यंत सक्षम है। इसका नेतृत्व जिनको हमने दिया है वह रीना मेहता एक कर्तव्यगार ऐसी जिला अध्यक्ष है हमारी महिलाओं की, और महिलाओं की समस्या सुलझाने के लिए महिला मोर्चा का ऑफिस या खोलने की उनकी मंशा थी और आज वो पूरी हो रही है। क्योंकि कई ऐसे प्रश्न रहते हैं, समस्या रहती है, महिला जाके दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकती है, तो महिलाओं का कार्यालय रहेगा तो और विस्तार से उनके साथ वो समस्या अपने रख सकती है और महिलाओं के अलग अलग तरह की योजनाएं देने का भी काम, उनकी मदद करने का काम इसी तरह की कार्यालय से हो सकता है। इसलिए आज मीरा भाईंदर शहर में एक अच्छा कार्यालय रीना मेहता के नेतृत्व में महिलाओं की सेवा के लिए या की जनता के लिए आज खुला हुआ है। कभी कभी जिला का कार्यालय खुल जाता है, महिला मोर्चा को एक कमरा मिल जाता है, युवा मोर्चा को एक कमरा मिल जाता है, लेकिन मीरा भाईंदर में यहाँ पे जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष रीना मेहता ने एक उनके दिन में पहले से उनके कामों को मैंने बड़े नजदीक से देखा है कि हमेशा कहती थी काम करने के लिए हम कहाँ कोई पेड़ के नीचे बैठ कर नहीं सकती महिलाओं, इनकी जब जिस दिन बनी थी उसी दिन इच्छा थी और एक सुंदर कार्यालय, एक अच्छा कार्यालय आज मतलब उसका उद्घाटन हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और ये कार्यालय उन तमाम ऐसी महिलाओं को जो कहीं जा भी नहीं सकती थी, कम से कम उनको लगेगा अपना करियर, अपनी बात कर सकती हूँ, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ रीना मेहता की टीम को। और मैं चाहूँगा आने वाले समय में जिस उद्देश्य से इनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा हो, और मुझे भरोसा है कि जब भी रीना मेहता कोई काम हाथ में लेती है वो अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि विवेक से वो काम पूरा होता है और आने वाला महापालिका का नतीजा बताएगा कि रीना मेहता और महिला मोर्चा या महिला हमारी यहाँ की जो बहने हैं उन सबको इस इतना तो कह सकता हूँ कि इस कार्यालय खुलने से महिलाएं जो 50% जो उम्मीदवारी जिसको मिलेगी वो 50% महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगी, दूसरी पार्टियों को महिला मुझे नहीं लगता है आ पाएगी, तो एक काम करने की तौर मिलेगी। इतनी संख्या
महिलाओं की इकट्ठा आना बड़ा मुश्किल होता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी तो पार्टी क्या करेगा जब समय समय आएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको देना, मुझे लगता है कि जिला में महिलाओं की मतलब पूरी तरह से देखभाल करना, उनका गार्जियन बन काम करना, उनकी मतलब कि पूरा ध्यान देने का काम जो देना मतलब भारतीय जनता पार्टी ने सौंपा है, बहुत बड़ी बात है। जी, सबसे पहले तो हमारे जो माननीय गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर जी का, माजी गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर जी और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो आज हमारे बीच में आए हैं कृपा शंकर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती और धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि ये एक संयोग है, इसको एक संयोग बोल सकते हैं। क्योंकि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने से पहले मैं करीब करीब 10 साल 89 से लेके 97 के बाद में 2002 तक कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी, और तब हमारे कृपा शंकर जी जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, और मुझे याद है आज भी वो दिन 89 का वो मेला हुआ कि जिनके इनके मार्गदर्शन में और इनके पूरे ये कह सकती हूँ कि उनके आदेश के अनुसार हमारी उस टाइम हमने जो मेलावा लगाया था, मुझे आज भी वो दिन वापस याद आ गया। और संयोग से ऐसा हुआ कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, और जब मेरे पास रवि व्यास जी और उनसे हमारी बात हुई और मुझे कहा गया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पद स्वीकार करना है, तब सबसे पहले मैंने कृपा शंकर जी से मिली, मैंने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और मैंने उनको यही कहा, तो बोला कि रीना जी आप काम करिए, जहाँ पे भी जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग आपके साथ में हैं, मेरा मार्गदर्शन और मेरा सपोर्ट हमेशा आप सबके महिलाओं के साथ में रहेगा। तो आज मुझे खुशी है कि इस कार्यालय के उद्घाटन में वो यहाँ पर आए, और इसी तरह से हमारे माननीय विधान परिषद विपक्ष के नेता और कदावर नेता प्रवीण दरेकर जी के हाथों से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। और करीब ये कार्यालय 2 महीने से रेडी होकर पड़ा था, लेकिन ऊपर से कभी ऐसा हो रहा था कि राज्यसभा का इलेक्शन, कभी विधान परिषद, और उसके बाद में हमारी पूरी सत्ता आ रही थी, तो इस हिसाब से मुझे वहाँ वरिष्ठों का टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन 3 दिन पहले ही हमने दरेकर जी से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने तुरंत हमें डेट दे दी कि 30 तारीख को हम आपके वहाँ आ रहे हैं और आपके कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो उसके लिए हम प्रवीण दरेकर जी का भी दिल से आभार मानती हूँ, और उनसे उन्होंने जो हमें वायदा किया है कि सहकारिता क्षेत्र में दरेकर जी का एक अपना अलग योगदान है, और उन्होंने जो हमें प्रॉमिस किया है कि महिलाओं की एक अच्छी टीम आप बनाइए, और जो भी इसमें आगे चलकर सहकारिता क्षेत्र में जो भी आगे काम है वो मैं आपकी मीटिंग लूंगा, अभी भी आपने मंच पे सुना होगा, तो इसके ऊपर हम बहुत जल्द काम करेंगे। और हमारे जिला अध्यक्ष रवि जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो 80 पार का हमारे जिला अध्यक्ष का नारा है, लेकिन हमारे सभी वरिष्ठ देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, चंद्रकांत दादा पाटिल के सपोर्ट से, आने वाले समय में मैं आपको यही कहूंगी कि 80 पार तो अभी बहुत दूर है, लेकिन 100 के पार का हमारा ये नारा अभी आएगा, क्योंकि गीता जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, नरेंद्र मेहता जी भी आज यहाँ पर मंच पर उपस्थित थे, तो जो भी लोगों के दिलों में एक असमंजस थी वो आज दूर हो चुकी है, कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मीरा भाईंदर में चप्पा चप्पा भाजपा पर, भाजपा के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं, और कोई सामने मैदान में कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाजपा के अलावा अभी कोई पर्याय लोगों के पास है। मीरा भाईंदर की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेम करती है, हमारे मोदी जी को बहुत प्रेम करती है, और मोदी जी की कार्यशैली को प्रभावित होकर आज आप देख रहे हैं कि हजारों घरेलू महिलाओं को मैंने जोड़ा है। तो आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, और सभी वरिष्ठों ने गीता जी और सबने आकर हमारी महापौर ज्योत्सना हसनाली जी का भी हमेशा मुझे मार्गदर्शन समर्थन, और हमेशा वो हमारे साथ में खड़ी रहती है, इसी तरह से आज नरेंद्र मेहता जी भी हमारे कार्यालय में आए, उद्घाटन कार्यालय में, और सभी वरिष्ठ यहाँ पर आए, उनके लिए मैं उन सबका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि शहर में भाजपा की तरफ लोगों का झुकाव तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख रूप से विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, प्रदेश सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे, आमदार गीता जैन, महापौर ज्योत्सना हसनाले,
पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता, जिला अध्यक्ष रवि व्यास, महिला मोर्चा अध्यक्ष रीना मेहता के साथ मंडल पदाधिकारी, नगर सेवक, नगर सेविकाएं सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। तो आपने देखा कि इस जनसंपर्क कार्यालय में कई बड़े नेता जैसे मौजूद थे और साथ ही मीरा भाईंदर के भी नेता मौजूद थे, लेकिन आज मंच पर जिस तरीके से सभी बड़े नेता मौजूद थे, क्या आने वाले दिनों में वो इसी तरीके से एक मंच पर मौजूद रहकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और मीरा भाईंदर की जनता के लिए काम करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।